जिला व्यापार मंडल में एक बैठक का आयोजन किया जिसमें कांग्रेसी उम्मीदवार अमित विज पहुंचे। वहां पर उन्होंने व्यापारियों से बात की और अपना विजन उनके सामने रख उनकी समस्याओं को सुना। उन्हें वोट अपील करते हुए कहा कि अगर इस बार वे दोबारा सत्ता में आते हैं तो उनकी समस्याओं का हल करेंगे। वहीं उन्होंने वोट अपील भी की। मैं जिला व्यापार मंडल के प्रधान जी कालीपा जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने पूरे ही अपने संगठन को बुला के एक बारी रूबरू कराया और ये जिस तरह तुम्हें पता है कि आने वाले 3 दिन बाद 20 फरवरी को वोट पैने हैं और एक बारी सारे कैंडिडेट्स में सुन रहे हैं और बड़े ही डेमोक्रेटिक वे नाल काम है। हर बंदे नु अपना राइट है वोट पाने का। मेरा विजन की है, साड़ी पार्टी का विजन की है, असं की कर रहे हैं अपने शहर वास्ते की कर सकते हैं। मैं जरूर ब्रीफ किया कि मैं उम्मीद करना कि साड़ा जिहड़ा एसोसीएशन हमेशा व्यापारियों नाल मेरा पर्टिकुलर लैवल पर बहुत अच्छा रहा है पिछले 5 साल च और परमात्मा दे नाल दया कर प्रार्थना करना परमात्मा नूं कि अगला भी एसोसीएशन मेरा अपने व्यापारी भरावां नाल जो साढ़े शहर की रीढ़ की हड्डी है इस तरह ही चले। और अज मैं थोड़ा अपना अपील भी की है और ब्रीफ भी किया। मैं एक बार फिर कालीपा जी का साढ़े प्रधान जी का उन्होंने पूरी टीम का मेरे नाल काउंसलर साहब विचे भाजी भी बैठे देने वार्ड नंबर 8 तो सोनी जी भी ने, मैं उन्होंने भी बहुत थैंक्स करना कि वो मेरे नाल आए ने, एज ए मैंबर भी ने मगर पोलिटिकली भी मेरे नाल अटैच ने। इन्हों का भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करना। जय हिंद। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।